हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ कोल्ड कॉफ़ी, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच यहाँ पे नेस्कैफे कॉफ़ी ली है, आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, और अब मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। अब मिक्सी जार में डाल के हम इसे 15 से 20 सेकेंड के लिए चलाएँगे। तो ये देखिए, अब खोल कर देख लेते हैं, इसमें फेना हो गया है और ये अच्छे से फेट चुकी है। बिना बीटर की सहायता से हम इसे मिक्सी में ही बनाएंगे। ये देखिए कितना अच्छे से ये फेट चुकी है। तो आप चाहें तो आप इसे और भी देर तक मिक्सी में डाल कर चला सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा फेनेदार हो जाएगी। तो अब हमने एक कांच का ग्लास लिया है, तो हम इसे चॉकलेट सीरम से अच्छे से चारों तरफ इसे लगा देंगे। इससे कॉफ़ी का लुक और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इस ग्लास में 4 से 5 आइस क्यूब डालेंगे। अगर आप ज़्यादा ठंडा नहीं पीते हैं तो आप आइस क्यूब स्किप भी कर सकते हैं, आप उसकी जगह ऊपर आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आइस क्यूब मैंने डाल दिए हैं। अब हमने जो कॉफ़ी फेट कर रखी थी वो इसमें हम डाल देंगे, 3 से 4 चम्मच। तो ये देखिए, मैंने इसमें डाल दिया है 3-4 चम्मच। तो अब हम इसमें मिल्क डालेंगे ऊपर से। अब इसे हम अच्छे से चम्मच से चलाएंगे, जिससे नीचे जो कॉफ़ी बैठ गई है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। थोड़ी कॉफ़ी मैंने बचा ली थी ऊपर से डालने के लिए, इस तरह से मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी तो इसका लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। और अब इसमें थोड़ा सा ऊपर से चॉकलेट सीरम से हम सजा देंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसमें ऊपर से आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, तो मैंने आइसक्रीम यहाँ पर नहीं डाली है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और ये बहुत ही जल्दी 5 मिनट में बनकर तैयार हो गई थी। आप भी इसे ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं। ओके, बाय।